हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जो दवाई जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होती है हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए वो है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल काम कैसे करती है? मिनोक्सिडिल जो स्कैल्प की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उन्हें डायलेट कर देती है, उनका साइज बढ़ा देती है, जिससे कि उनमें ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब फ्रेश ब्लड आता है आर्टरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो एक फ्रेश ऑक्सीजन आती है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं और जो टॉक्सिन्स होते हैं वहाँ पे वो वॉश आउट हो जाते हैं। और इसका एडवांटेज क्या होता है कि हेयर लॉस जो है वो कम हो जाता है और जो हेयर की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है, हेयर थिक हो जाते हैं। जब मिनोक्सिडिल को स्कैल्प पे, सर पे लोकली अप्लाई किया जाता है, मिनोक्सिडिल की बहुत सारी प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल है। मिनोक्सिडिल फोम फॉर्म में भी आता है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है और जेल फॉर्म में भी आता है। और जो कंसंट्रेशंस मिनोक्सिडिल की यूज़ होती हैं उसमें मोस्ट कॉमनली 5% मिनोक्सिडिल वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और ये मिनोक्सिडिल अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में ओवर द काउंटर अवेलेबल है। बट अगर आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करना है हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए तो बेटर है कि आप अपने प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें पहले। मिनोक्सिडिल के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत मिनिमल होते हैं। उसका कारण ये है कि मिनोक्सिडिल टैबलेट नहीं खाई जाती है, मिनोक्सिडिल मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोकली स्कैल्प पे अप्लाई की जाती है, जिससे कि ओरल एब्जॉर्प्शन जो है मिनोक्सिडिल का वो बहुत ही कम होता है और मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो साइड इफेक्ट्स मिनोक्सिडिल के होते हैं वो होते हैं लोकल इरिटेशन और रेडनेस, और वो भी कुछ दिनों के लिए होते हैं। और जैसे ही मिनोक्सिडिल कंटिन्यूसली अप्लाई करते हैं ये सब प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। और जब रिजल्ट्स एविडेंट होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं मिनोक्सिडिल अप्लाई करने के, तो मिनोक्सिडिल आपको फिर डेली यूज़ करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन करते हैं, एक पर्टिकुलर रजीम मेंटेन करते हैं, तो यही जो रिजल्ट है ये लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहता है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ऑयल्स और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो ये दावा करते हैं कि वो हेयर लॉस ख़त्म कर देंगे या हेयर फॉल को रोक देंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर हेयर लॉस है, हेयर फॉल है और आप मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहते हैं, तो जो अभी आपके बाल हैं, एग्जिस्टिंग हेयर हैं, उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए मिनोक्सिडिल को यूज़ करें अपने प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करके। बिकॉज जब ये बाल होते हैं आपके स्कैल्प पे, थोड़े एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं, तब मिनोक्सिडिल का रिजल्ट और अच्छा आता है, बशर्ते जब पूरा आप बॉल्ड हो जाएंगे उसके बाद। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बाल वीक हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो आप आज ही अपने प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें, टाइम वेस्ट ना करें। और अगर मिनोक्सिडिल 5% आप शुरू करते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। मिनोक्सिडिल इफेक्टिव है हेयर लॉस को कम करने में, हेयर लॉस को रिड्यूस करने में और अच्छे बाल देने में। आप कंसल्ट करें अपने प्लास्टिक सर्जन को अपने हेयर लॉस के लिए, और अगर आपको एडवाइस किया जाता है तो आप 5% मिनोक्सिडिल शुरू करें, सो दैट आपके बाल अच्छे हो सकें। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल फॉलो करते रहिए। थैंक यू।